वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की पूजा विधि और इनके महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का कृपा सब पर बना रहे। महाशिवरात्रि का व्रत सभी आयु के बालक, युवा, महिला एवं वृद्ध करते हैं। इसमें भगवान भोलेनाथ का पूरी निष्ठा के साथ उनका अभिषेक और पूजन किया जाता है। महाशिवरात्रि में चार प्रहर भगवान का पूजन किया जाता है और रात्रि जागरण भी किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन रात्रि जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण में भगवान भोलेनाथ का कथा सुनते हुए रात्रि जागरण करने पर मनुष्य को सभी प्रकार के धर्म, अर्थ और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान का कृपा सदैव बना रहता है। महाशिवरात्रि का व्रत इस बार 21 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का व्रत हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसका प्रारंभ समय होगा 21 फरवरी 2020 शाम 5:20 से और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 22 फरवरी 2020 शाम 7:02 पर। इस दिन महाशिवरात्रि में भगवान का चार प्रहर पूजा करते हुए कथा आरती कर अगले दिन पारण करें, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस दिन तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें, क्योंकि गणेश भगवान को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है। गणेश भगवान का पूजन करें, उसके बाद नंदी महाराज का भी पूजन करें। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। कहा जाता है कि अगर यह व्रत सच्ची श्रद्धा से 14 वर्ष तक लगातार करने पर उस जातक को समस्त सिद्धियां प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि एक ऐसा समय है जिसमें भगवान महादेव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कम समय में और थोड़े से ही पूजन से, जैसे कि ये केवल जल, पुष्प और बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और विशेषकर महाशिवरात्रि वर्ष में आने वाला एक ऐसा व्रत है जिसमें भगवान पूजा और जागरण से अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल और आशीर्वाद देते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको संतान, सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यश वैभव की प्राप्ति और सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति इनके एक महाशिवरात्रि विशेष पूजन से प्राप्त होगा। अब आइए महाशिवरात्रि का पूजन किस प्रकार से किया जाए यह जानते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सवेरे उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर
स्नान करे, फिर शुद्ध वस्त्र धारण करे। पुरुष इस दिन सफेद वस्त्र और महिलाएं लाल या पीला वस्त्र पहने, फिर टीका लगाए। तिलक में भस्म का प्रयोग करें। भस्म भगवान महादेव को अति प्रिय है। फिर रुद्राक्ष का माला पहनकर अपने हाथ में जल लेकर अपना शुद्धिकरण करें। फिर जल लेकर भगवान के महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी कामना हो वह भगवान को कहें। फिर वह संकल्प का जल शिवलिंग के ऊपर छोड़ें और दिन भर व्रत का पालन करें। व्रत निराजला भी किया जा सकता है और संभव ना हो तो फलाहार लें। दिन भर व्रत का पालन करते वक्त भगवान का पूजन भी करें और भजन कीर्तन भी करें। सबसे पहले एक बार सुबह के समय ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर फिर पूजन करें। उसके बाद चार प्रहर पूजा में सबसे पहला पूजा प्रथम पहर का शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में और दूसरा प्रहर का पूजन रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच में और तीसरे प्रहर का पूजन रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच और अंतिम चौथे प्रहर का पूजन रात्रि 3 बजे से सुबह अगले दिन 6 बजे के बीच संपन्न करें। प्रत्येक प्रहर पूजन में भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत, पंचामृत में दूध, दही, मध, शक्कर और गाय का घी, इससे पंचामृत बनाएं, फिर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं भगवान के ऊपर। उसके बाद फिर से दुग्ध का धारा यानी कि दूध का धारा भगवान के ऊपर चढ़ाए, उनको नहलाए। दूध चढ़ाते समय भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहे। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते रहे। दूध चढ़ाने के बाद फिर से गंगा जल भगवान के ऊपर चढ़ाए। उसके बाद भगवान के ऊपर कलावा चढ़ाए। कलावा कच्चा सूता मौली को कहा जाता है। कलावा चढ़ाने के बाद भगवान के ऊपर जनेऊ चढ़ाए। फिर भगवान पर अनेकों प्रकार के चंदन चढ़ाए, अबीर गुलाल चढ़ाए और माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाए। भगवान के ऊपर भस्म लाल चंदन या पीला चंदन चढ़ाए। उसके बाद अक्षत चढ़ाए। अक्षत को पानी से थोड़ा सा भिगो दे, फिर अक्षत चढ़ाए। फिर भगवान को पुष्प चढ़ाए। पुष्प में सफेद पुष्प चढ़ाए। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ का प्रिय पुष्प है। सफेद पुष्प न हो तो और भी दूसरा कोई पुष्प चढ़ाए, लेकिन लाल पुष्प भगवान के ऊपर ना चढ़ाए। लाल पुष्प माँ पार्वती को पूजा जलाभिषेक के समय चढ़ाए। फिर भगवान पर बिलपत्र चढ़ाए। बिलपत्र 3 पत्ते वाला होना चाहिए। बिलपत्र पर राम नाम लिख ले। राम नाम लिख लेने से और भी वह उत्तम हो जाता है। राम का नाम लिखे हुए बेलपत्र से भोलेनाथ और भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को भांग, धतूरा, बेर, कनेर चढ़ाए। फिर पुष्पों की माला भगवान को पहनाए। उसके बाद धूप दीप दिखाए।
दीप दिखाने के बाद हाथों को धो ले, क्योंकि दीप दिखाने के बाद हाथ अशुद्ध माना जाता है। हाथ धोने के बाद भगवान को नैवेद्य चढ़ाए। नैवेद्य में दूध से बना मिठाई या फल भगवान को चढ़ाए। फिर आचमनी के लिए थोड़ा सा जल चढ़ाए, फिर दक्षिणा चढ़ाए, उसके बाद आरती करें। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन चारों प्रहर करें और अगले दिन 22 फरवरी 2020 को पूजन संपन्न हो जाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर दक्षिणा दे। इससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। संतान सुखी रहेंगे, घर परिवार सब सुखी और स्वस्थ रहेंगे। पारण का समय 22 फरवरी सुबह 6:57 से शाम 3:23 तक होगा। यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।